बात आज उत्तर प्रदेश की नहीं हो रही है, नहीं तो हम कहते कि ऑर्गेनाइज क्राइम में अखिलेश के समय सबसे बड़ा जो ऑर्गेनाइज क्राइम थे नंबर वन पर ये उत्तर प्रदेश ही था। दूसरी बात जहां तक योगी जी की और ओवैसी जी की बात चल रही है, देखिए क्यों ऐसी बातें कहने की नौबत आई, भाषा की शालीनता होनी चाहिए थी। लेकिन आपको मैं बता दूं कि हैदराबाद को लोग आज मिनी पाकिस्तान के नाम से जानता है, वहां के जितने हिंदू हैं जिसको आप वर्ल्ड सिटी के आसपास के जितने हैं वे सारे भाग करके वहां से दूसरी जगहों पर चले गए हैं। ये स्थिति वहां की है कि हिंदू वहां बात करने से डरता है, इतनी ओवैसी की है। और ओवैसी को पाला पड़ा किसने किया, कांग्रेस पार्टी ने। ओवैसी को कौन सत्ता में लाकर के सत्ता तंत्र के साथ जोड़ करके इतने सालों तक रखा, कांग्रेस पार्टी नेता कौन बना रहा है, तो उसे भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, सी टीम है। ये जो है वो बेतुका संवाद है, ये बेतुका विमर्श है। रागनी जवाब दीजिए, फिर इम्तियाज अली जवाब देना चाहते हैं, वो आपकी बात का भी इकट्ठी देखिए। संघ और भाजपा का जो असली एजेंडा है वो कहीं ना कहीं से इसे कहते हैं फ्रॉडियन स्लिप, जो दिमाग में होता है, जो भाव मन में होता है वो कहीं ना कहीं जुबान से निकल ही आता है। अब आरएसएस भारतीय जनता पार्टी की वैचारिक जननी है और आरएसएस का मूल मंत्र है कि पितृभूमि और पुण्य भूमि के आधार पर जो लोग इस देश के हैं वही यहां रह सकते हैं, बाकी सारे बाहर चले जाएं। योगी जी ने आज वही बात कही, इसीलिए वो चाहते हैं कि निजाम, खैर इतिहास का ज्ञान उन्हें बोध है नहीं, निजाम को भगाया गया था या निजाम को बुलाकर विलय कराया गया था, यही उन्होंने गलत कर दिया। फिर उसके बाद वो एक कौम को भगाना चाहते हैं देश से। आज संगीत रागी जी ने भी उसका कहीं ना कहीं पुष्टिकरण कर दी, वो तो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, इसलिए सही कह रहे हैं क्योंकि हिंदू बहुत डरा हुआ है। अरे 70 साल में हिंदू इतना नहीं डरा, आपके 5 साल में हिंदू इतना डर गया, इतना खौफ खा गया, और हिंदुओं के नाम पर आप वोट मांग रहे हैं ना, 370 आपकी सरकार रही ना, ना 370 आप पाए, आप गौरक्षा के लिए कोई कानून लेकर आ पाए, राजस्थान में 7 तारीख को वोट हो रहा है, 5,000 गाय एक साथ मरी हुई पड़ी हुई दिखी, आप राम मंदिर नहीं बना पाए, आप गंगा नहीं साफ कर पाए, और आप चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम के नाम पर बार बार अपने आप को कहीं ना कहीं श्रेष्ठ दिखाकर वोट मांगने का काम, यही बातें आखिरी लाइन, तो फिर इम्तियाज जलील उनकी भी टीम कैसे, आपकी भी टीम क्यों नहीं, 60 सालों में अगर गंगा तो बताइए एक बात, पहले तो बोलते यही बातें इम्तियाज जलील भी कह रहे हैं रोहित, तो जब वो यही बातें कह रहे हैं और आप भी यही बातें कह रहे हैं, तो वो आपकी भी टीम क्यों नहीं और बीजेपी की भी टीम क्यों, रोहित मतलब कोई आपके सामने खड़ा हो जाएगा तो वो दूसरे की भी टीम है, ध्रुवीकरण करने का काम कौन करता है, यानी कि कोई भी आपके सामने चुनाव ना लड़े बीजेपी के अलावा, रोहित और लड़ेगा तो वो आपके खिलाफ लड़ रहा है, तो यानी कि वो बी टीम है। विकास के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी को चुनौती दे, यानी कि हम स्वागत करते हैं, ठीक है रोहित जलील, आपको समझ में आ गया कि इस देश में कांग्रेस के सामने जो चुनाव लड़ेगा वो बीजेपी की बी टीम है, कांग्रेस को चुनौती नहीं दे सकते आप, नहीं नहीं रोहित ये आपने गलत कर दिया भाई, रोहित राजनीति के खिलाफ है, ठीक है अब इतिहास आपको सुनते हैं, बोलिए इतिहास रोहित सही बात कही है, ये बिल्कुल सही, ये बिल्कुल सही बात, बोलिएगा बोलिएगा, कि जो भी कांग्रेस के खिलाफ इलेक्शन लड़ेगा, कांग्रेस ये समझते आई है कि 70 सालों से मुसलमानों का, दलितों का, पिछड़ों का बस ये काम है कि हमको वोट देते रहो, सत्ता में जाके वो बैठते रहेंगे। आज हम लोग ये कह रहे हैं क्यों हमारा एमपी नहीं बनना चाहिए, अगर ये सेक्युलर पार्टी अगर ये कहती है कि हम मुसलमानों के वोट लेते आए हैं, दलितों के वोट लेते आए थे, मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या महाराष्ट्र के अंदर एकाध एमपी आप चुना के लेके आए हैं, नहीं लेके आए हैं, कई सालों से एक एमपी आप चुना के नहीं लेके आए हैं महाराष्ट्र से, यही हाल राजस्थान से, यही हाल गुजरात से है, तो क्या हमारा यह कहना है कि 70 सालों से हम क्या सिर्फ एक रबर स्टैंप की तरह काम कर रहे हैं कि आपको वोट देते रहेंगे, आप सत्ता के अंदर अगर एक सीट भी अगर आप बताते कि देखिए हम सेक्युलर है, आज इतने सालों से मुसलमान हमको वोट देते आ रहे हैं, हमने भी उनको जिता कर लेके आए हैं, फिर वापस एक सवाल पूछ रहा हूं, ना एमएलए इसका मतलब आपकी सारी लड़ाई इम्तियाज जलील ये कह रहे हैं मुसलमान वोटों की ठेकेदारी हासिल करने की है और कुछ नहीं, ठीक है दलित पिछड़ा आप सब साथ में लगा लेते हैं, लेकिन लड़ाई आपकी मुसलमान वोटों की ठेकेदारी हासिल करने की है। देखिए साहब हकीकत ये है कि अगर कांग्रेस अगर मुसलमानों के साथ इंसाफ करती तो एमआईएम पार्टी के लिए जगह ही नहीं रहती, मुसलमान कहते हैं कि नहीं देखिए हमको कितना इंसाफ मिल रहा है यहाँ पर, हमारे साथ जब नाइंसाफी हुई तब एमआईएम बढ़ी, और आज एमआईएम के तरफ अगर एक तबका आ रहा है तो वो इसलिए आ रहा है कि वो अपना हक और अधिकार मांग रहा है, कोई गुनाह नहीं कर रहा है। 20 सेकंड फिर रागनी और देखिए इन्होंने एक आरोप ये भी लगाया कि ये बिहार गए हैं, महाराष्ट्र गए हैं, आपने भी तो आरोप लगाया कि कांग्रेस हिंदुत्व की बी टीम हो गई है, हमने सिर्फ इसका ठेका लेकर रखा है। असदुद्दीन ओवैसी ने भी तो कहा कांग्रेस हिंदुत्व की बी टीम हो गई है,
बीजेपी की बी टीम होना थोड़ा शर्मनाक हो सकता है, हिंदुत्व की बी टीम होना भी क्या गाली है या शर्मनाक है? रुकिए सर, रुकिए रुकिए सर, किसने थोड़ा सा प्लीज थोड़ा सा मुद्दों के ऊपर अगर लड़ा जाता है, आप तो जानते हैं इलेक्शन अगर इस बात के ऊपर के कांग्रेस के राहुल गांधी जनादारू है तो यह आपने शुरू किए है, ठीक है शुरू किए। ओके, इसका जवाब लेंगे रागनी से, आप जल्दी अपना जो इंटरवेंशन देना चाहते हैं दीजिए। देखिए देखिए हिंदू आज हिंदुओं से ही बहुत सहिष्णुता का प्रमाण मांगा जाता है, और अब जब हिंदू प्रतिकार करना शुरू कर देते हैं तो उनसे कहा जाता है तो एक्सट्रीमिस्ट है। 40,000 मंदिर तोड़ दिए जाते हैं और कश्मीर के अंदर बाबरी ढांचे के टूटने के बावजूद भी 300 मंदिर तोड़े गए थे, किसी को कोई उसकी बात नहीं करता है। जब हिंदू प्रतिकार करना शुरू कर देता है तब उसको आतंकवादी आप बता देना चाहते, कौन सी सहिष्णुता का प्रमाण देना चाहते हैं उनके खिलाफ? तो कोई 4.5 लाख कश्मीरी भागते हैं वहां से, उनकी महिलाओं की उनकी जंघाओं पर इस्लाम जिंदाबाद के नारे लिखते हैं, कांग्रेस पार्टी चुप रहती है। जोसेफ का हाथ काट लिया जाता है, कांग्रेस पार्टी केरला में चुप रहती है। राजीव गांधी मिजोरम में प्रचार करने जाते हैं और कहते हैं कि यदि यहां पर हम शासन में आए तो बाइबल के अनुसार शासन चलाया जाएगा। राजीव गांधी चर्च जो है फतवा जारी करते हैं। कमलनाथ जो है वो मुसलमानों के बीच में बैठ करके गुपचुप तरीके से ये करते हैं और जातियों के आधार पर जातीय अखाड़े आप खड़े करते हैं। इसलिए ये पूरा देश जानता है। अब बोल लीजिए फिर शाहनवाज हुसैन जवाब देते हैं। मैं पूरा देश का हिंदुत्व की बी टीम होना गाली है। बहुत अच्छे से आपको बताना चाहती हूँ। देखिए सबसे पहली बात तो है कि हिंदुत्व और हिंदू धर्म दो अलग चीजें हैं। 1921 में हिंदुत्व शब्द की परिकल्पना की वीडी सावरकर ने, देश के धर्म के किसी ग्रंथ में हिंदुत्व शब्द का इस्तेमाल नहीं है। हिंदुत्व गाली है। हिंदू धर्म जो है वो सहिष्णु है, वो उदारवादी है, वो समावेशी है, वो आपके हिंदुत्व की तरह न संकीर्ण है, न विभाजनकारी है, न वैमनस्य फैलाने वाला है। तो हिंदू धर्म के ना आप स्वदेश स्वघोषित ठेकेदार न ओवेसी और उनकी पार्टी मुसलमानों के स्वघोषित ठेकेदार हो सकते हैं, लेकिन असली ठेकेदार किसी धर्म का कोई नहीं होता। हिंदुत्व से कांग्रेस पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। हिंदू धर्म का सिर्फ एक सवाल उसको ग्रहण करते हैं। क्या कांग्रेस पार्टी के मुताबिक कांग्रेस हिंदुत्व गाली है? स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस की एक ही देन है इस देश को फिर से इस्लामिक रेडिकलाइजेशन के रास्ते पर कांग्रेस ने इस देश को धकेल दिया है। अब रुक जाइए, कश्मीर अब रुक जाइए, अब रुक जाइए, अब रुक जाइए।